हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ पे ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बिकॉज एक तो इसमें जो टाइगर्स हैं ये ब्लैक कलर के दिखते हैं, दूसरा इसमें अभी फॉरेस्ट फायर भी लगा था, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो टाइगर्स हैं आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये टाइगर दिख रहा है, ब्लैक पैटर्न इस पे बना हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। बिकॉज दिस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये ऐसे ब्लैक कलर के टाइगर्स पाए जा रहे हैं, राइट। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो हम समझेंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या यहाँ पे फ्लोरा फौना है, कौन से यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं, वो सब हम देखेंगे। यहाँ के पीक, यहाँ की रिवर्स सब देखेंगे हम। इसके साथ ही हम और बात करेंगे ओडिशा के कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज की, स्पेशली भीतरकनी का जो हमारा एरिया है वहाँ पे वो देखेंगे, गहीर माता बर्ड सेंचुरी जो है वो देखेंगे, नलबन्ना आइलैंड, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस ब्लैक कलर के टाइगर के बारे में। तो रिसर्चर्स ने बताया है बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर जीन और उसमें हो रहा है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन हो रहा है इस जीन में, ट्रांसमेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडाइज क्यू जीन, तो इसको बोलते हैं इन शॉर्ट टैकपैप, ठीक है, TAQ PAP जीन। तो ये इस जीन के म्यूटेशन के कारण ये वाला जो ब्लैक कलर है इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो बड़ा रीजन दिया गया है कि ऐसा म्यूटेशन हो क्यों रहा है, बिकॉज ये बता रहे हैं कि जियोग्राफिकली ये काफी आइसोलेटेड रीजन है, मतलब यहाँ के जो टाइगर हैं वो दूसरे जो टाइगर्स हैं उनसे काफी दूर हैं, एंड इनके कारण ये जो इनब्रीडिंग चल रही है इनके बीच में, जो ब्रीडिंग होती है यहीं के टाइगर्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन का चांस बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ के टाइगर्स की बात करेंगे तो ये वाला म्यूटेशन 60% ऑफ द वहाँ के टाइगर्स में मिलता है, ठीक है, तो इसलिए ये ब्लैक पैटर्न दिखता है। एंड रिमेंबर वन फैक्ट कि दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व जहाँ पे ये ब्लैक कलर के टाइगर पाए जाते हैं, नॉट इन इंडिया, आई एम सेइंग ओनली इन वर्ल्ड, ठीक है, तो दिस इज द रीजन। तो ये साइंटिस्ट ने बताया है इसके कारण इनको स्यूडो मेलानिस्टिक भी बोलते हैं। मेलान मीन्स इट इज द टर्म एसोसिएट विद द कलर, तो स्यूडो मेलानिस्टिक मतलब आपको दिख रहा है ब्लैक बिकॉज ऑफ दिस जीन जो है ये आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये होता नहीं है, बाय बर्थ नहीं होता है, इसमें म्यूटेशन हुआ है, दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं स्यूडो मेलानिस्टिक, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। नाउ हमको देखना है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं ओडिशा के वो भी हम कवर कर लेंगे, साथ में हम देखते हैं इसके बारे में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कब बना। सबसे पहले ये बनता है 1956 में टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया जाता है, इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया जाता है 1994 में। आपको दापर जो बील है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारे नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं वो सारा कवर किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, अगर आप उसमें रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं तो आप नॉमिनेट कीजिए, उसका एक प्रोग्राम होता है मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क। तो ध्यान रखना बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, मींस नेचर एंड ह्यूमन कैन को एग्जिस्ट हार्मोनियसली, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब आदमी नेचर के साथ हमेशा रह सकता है। तो इसी का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसमें हमारा ये जो रिजर्व है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे ही डिक्लेयर होता है आप ध्यान रखना वहां पे जो नेशनल पार्क है या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी उसके एरिया में आ जाती हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है, नेशनली वो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ दिस मैप प्रोग्राम इन 2009 इसको जोड़ा गया। इसके बाद यहाँ पे देखना स्पेशली दिस एरिया, दिस इज द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आप देखना दिस इज हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज कुलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस होल रीजन इज नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं एंड यही आपका टाइगर जो रिजर्व था ये पूरा एरिया इसी को ही बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। तो ध्यान रखना ये तीन वाले खास करके सिमलीपाल, कुलदिहा एंड हदगर, इन तीनों को मिला के मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और यही है आपका पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एलिफेंट काफी पाए जाते हैं, एक तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो ट्राइब में अगर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली एक ट्राइब है जो आपने पढ़ी भी होगी हिस्ट्री में भी, हो एंड संथाल, ठीक है, एक तो संथाल एंड हो ट्राइब्स भी यहाँ पे हैं। स्पेशली ये दो ट्राइब एरेंगा खारियास एंड मन किरा दियास, ये जो ट्राइब्स हैं इस रीजन में रहती हैं, ये आप याद रख सकते हैं, बिकॉज जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ऐसा तो पूछती है कि जैसे कोई न्यूज में होता है एरिया
तो उसमें से कौन सी रिवर पास हो रही है, कौन सी वहां पे ट्राइब रहती है, ये आपको कवर करना होगा, राइट। तो ट्राइब में आप देखना इरेंगा खारियाज एंड मन किडियाज, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो एंड संथाल भी इसके आसपास में रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। तो फ्लोरा एंड फौना में अगर सबसे पहले बात करें, दिस सिमलीपाल इज नॉन फॉर इट्स रेड सिल्क कॉटन ट्रीज, यानी यहाँ पे जो ऐसे ट्रीज हैं सिल्क, जो ऐसा लगेगा आपको कॉटन जैसे इनमें फूल होते हैं, तो इसके लिए ही ये फेमस है। इसके साथ यहाँ पे साल के फॉरेस्ट होते हैं, ध्यान रखना। दिस एरिया इज नॉन फॉर इट्स रेड सिल्क कॉटन ट्रीज, और यहाँ पे अगर मैं आपको फॉरेस्ट पूछूं तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट होते हैं, राइट, तो ये भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे साल आपको बताया मैंने, साल ट्री जो है ये यहाँ पे काफी पाया जाता है, रेड सिल्क कॉटन ट्री यहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है। जब बात करें हम फौना की, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो टाइगर रिजर्व है, डेफिनेटली टाइगर तो है ही, एलिफेंट रिजर्व है तो एलिफेंट भी है ही, इसके साथ यहाँ पे गौर, दैट इज आपका वाइल्ड बिसन भी बोलते हैं इसको, गौर एंड चौसिंगा, ठीक है, चार उस वाला सींग वाला हिरन टाइप, तो दिस चौसिंगा गौर ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे पीक कौन सा है, तो पीक ध्यान रखना, दैट माउंटेन पीक इज मेघ आसनी या फिर टंकी बुरु, ठीक है। मेघ आसनी यानी मेघ जैसा ऊंचा, आप याद रखना, मेघ आसनी मेघ पे आसन है जिसका, एंड टंकी इज ऑलवेज ऑन द हाइट, तो टंकी बरू पीक जो है इसी का ही नाम है, तो दिस इज द पीक ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे जो पीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिवर्स फ्लो होती हैं, दीज रिवर्स आर बूधा बालंगा पलपाला बंधन खरकाई रिवर एंड देओ रिवर, ठीक है, खरकाई रिवर एंड देओ रिवर। खरकाई इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सुबर्णरेखा रिवर जो वहीं पे बहती है, तो ये चार रिवर है, अगर याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो कोशिश करना याद हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो पूछ सकता है कौन सी रिवर यहाँ से पास होती है। इसके बाद यहाँ पे दो फॉल है, वाटरफॉल्स, वन इज भरी पानी फॉल, ठीक है, भरे पानी मतलब ठीक है पानी भरा हुआ है, दैट इज द वॉटरफॉल, एंड द सेकेंड वन इज जोरांदा फॉल, तो ये दोनों यहीं पे हैं, इसी एरिया में हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसकी ज्योग्राफिकल चीजें भी देख ली। अब हम बात करते हैं इस एरिया में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ओडिशा में, जैसे कि दिस इज द भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीतरकनिका जो है आपको पता होगा, भीतरकनिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया ऑफ इंडिया आफ्टर सुंदरबन, ठीक है, मैंग्रोव एरिया है, ध्यान रखना, मैंग्रोव एरिया, एंड इसी के मैंग्रोव जो है इतना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे भीतरकनिका में, कि यहाँ पे बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिलते हैं आपको, बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल इज फाउंड हेयर, ठीक है, टर्टल, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ रिवर्स भी हैं फेमस, मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं चिलिका जो लगून है, इंडियाज लार्जेस्ट लगून है चिलिका, ध्यान रखना। चिलिका जो है पहले आपको याद होगा रामसर की साइट में भी चला गया था इन मॉन्ट्रीएक्स रिकॉर्ड, लेकिन वो बाद में प्रोटेक्शन जो कंजर्वेशन एफर्ट थे उसके चलते हुए बाहर आ गया। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, दैट इज नलबन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नलबन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो वेरी फेमस, एंड यहीं पे एक और है, दैट इज मंगल जोड़ी, मंगल जोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। यहीं पे एक रिवर आती है, दैट इज ऋषिकुल्या रिवर, एंड यहाँ पे गोपाल बीच है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं एक मैप में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ देखिए, दैट इज भीतरकनिका आपका, एंड यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आती है एक बार ये देख लीजिए, दैट इज बेतरनी, दिस इज ब्रह्मानी, देन आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज महानदी। तो मेन तो ये तीन रिवर है जो भीतरकनिका की तरफ जा रही है, एक और है यहाँ पे आप अगर देख पाए, दैट इज धमरा, ठीक है, धमरा रिवर। तो ये चार रिवर हैं जो भीतरकनिका के एरिया पे आती हैं। भीतरकनिका इज नॉन फॉर इट्स मैंग्रोव्स, मैंने आपको बताया, ऑलिव रिडले टर्टल्स भी यहाँ पे होंगे, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही होगी चिलिका लेक, चिलिका लेक के पास में दिस इज द ऋषिकुल्या रिवर एंड दिस इज गोपालपुर बीच। सो दिस एरिया ऑफ दिस ऋषिकुल्या रिवर एंड गोपालपुरा बीच जो है, दैट इज नॉन फॉर द मास नेस्टिंग, मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव टर्टल्स, ठीक है, एंड दिस मास नेस्टिंग जो है इसको बोलते हैं अरीबादा, 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 जब भी आपको टर्म आए कहीं तो समझ जाना मास नेस्टिंग जो होती है इसी को बोलते हैं हम अरीबादा, ठीक है। सो दीज आर द एरियाज, और यहाँ पे मैंने आपको और भी बताया कि यहाँ पे एक है, दैट इज नलबन्ना एंड मंगल जोड़ी, ठीक है, नलबन्ना एंड मंगल जोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहीं पे है, ठीक है। मंगल जोड़ी जो है ये भी काफी न्यूज में रहती है बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है ये ध्यान रखना। एंड इसी चिलिका लेक में याद रखना
यहाँ पे एक सबसे लार्जेस्ट जो माइग्रेटरी बर्ड है दैट इज साइबेरियन क्रेन, वो भी यहाँ पे आता है. एंड इसके साथ ही यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भी यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस चिलिका लेक फॉर दीज रीजन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दिस ऋषिकुल्या एंड गोपालपुरा, दिस साइट इज नॉन फॉर द मास नेस्टिंग, जिसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, अरीबादा. तो ये था उड़ीसा के कुछ हमने फेमस, ये भी देख लिया. इसके साथ ही जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये बहुत ही न्यूज में है, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर, बिकॉज ऑफ द दीज ब्लैक जो पैटर्न वाले टाइगर्स हैं. तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, राइट. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं. इसको शेयर एंड लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा. Thank you very much for watching this video. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.